26 मार्च 2024 अराउंड 1 बजे एमवी डाली नामी एक कंटेनर शिप बाल्टीमोर की पोर्ट से निकलती है जो कोलंबिया श्रीलंका जा रही थी। सुबह 1:24 शिप पर पहली बार ब्लैकआउट देखा जाता है। ब्लैकआउट का मतलब होता है टोटल पावर लॉस, जिसमें शिप की इंजन बंद हो जाती है और स्टेयरिंग भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जो कि इस शिप के केस में देखा गया। 1:25 शिप की पावर रिस्टोर होती है, लेकिन 1:26 पर अगेन एक बार ब्लैकआउट देखा जाता है और 1:27 पर यह शिप ब्रिज की वन ऑफ द मेन सपोर्ट पिलर से टकरा कर उसे कुछ ही सेकंड्स में गिरा देती है। इस इंसिडेंट के वक्त 8 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ब्रिज पर काम कर रहे थे। इनमें से 2 वर्कर्स को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन बाकी के 6 वर्कर्स अभी भी मिसिंग हैं। शिप के कैप्टन के मेडिकल डिस्ट्रेस कॉल भेजने की वजह से ट्रैफिक ऑफिशियल्स ने ब्रिज ब्लॉक कर दिया और जिससे और जाने जाने से बचाई गई। ये ब्रिज टोटल 2.57 किलोमीटर लंबा था, जो पटास्पो रिवर पर बना था, जिसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1977 में $60 मिलियन थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि इस ब्रिज को फिर से बनाने में मोर देन $600 मिलियन लगेगी।